ईमान कामिल नहीं हो सकता जब तक कि हमारे सीनों में अहले बैत की मोहब्बत ना हो। हम ये अकीदा रखते हैं कि तमाम अहले बैत वो सहाबी सहाबियत के मकाम पर थे, और ये मसला ज़हन नशीन कर लो कि रिश्तेदारी की बुनियाद पर फजीलत का तायुन नहीं, वगरना अब्दुल मुत्तलिब का बेटा कौम का सरदार हाशमी और कुरैशी अबू लहब इस्लाम से महरूम हुआ तो तब्बत यदा अबी लहब वतब, उसको जहन्नम का सर्टिफिकेट मिला। लेकिन अहले बैत रसूल में जिन चचाओं ने, जिन फूफियों ने, जिन खानदान रिसालत ने, जिन हाशमियों ने, जिन कुरैशियों ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूनी रिश्ते के साथ ईमान की निगाह से देखकर सहाबियत का मकाम पाया, उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा असदुल्लाह अपने मकाम मर्तबे और अजमत के एतबार से बहुत अजीम उल मर्तबत थे, जिनकी पैदाइश मक्का मुकर्रमा में हुई। इस तरह से वो कौम और कबीले के एतबार से नजीब उत्तरफैन थे। सिर्फ ये नहीं कि बाप के रिश्ते से हाशमी थे, बल्कि माँ के रिश्ते से भी हाशमी थे। हाशमी और कुरैशी अली मुर्तजा, जिनके वालिद का नाम अबू तालिब, और अबू तालिब को नियत है उसके बड़े बेटे की तरफ, क्योंकि अबू तालिब के चार बेटे थे जिनमें तालिब, जाफिर, अकील और अली रज़ी अल्लाह ताला, ये वो चार बेटे हैं अबू तालिब के, और इन चारों में 10-10 साल का वक्फा है, और सबसे छोटे बेटे का नाम अली मुर्तजा है। इसलिए उसको नियत से अब्द मनाफ अबू तालिब का असल नाम है, उसकी कुनियत तालिब बेटे के होने की वजह से अबू तालिब है।